सर आप देखिए, अभिमन्यु सर, उन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने कोशिश की और कर दिखाया ना। तो सर आप भी तो एक बार कोशिश कर सकते हैं ना। हाँ सर, आपका पूरा परिवार आपकी एक हाँ के इंतजार में है। हाँ, अब समझ आया मुझे। मतलब तुम्हें लगता है कि तुमने अभिमन्यु से बात करके उसको उस बोर्ड मीटिंग तक पहुंचाया, तो मुझे ठीक है, जो तुमने किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें लगता है कि अब तुम मुझसे बात कर मुझे अंबा से शादी करने के लिए कन्विंस कर लोगी? सॉरी नीनी सर, सर मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं सर कोशिश तो कर सकती हूँ ना कि आपके लिए जो अच्छा है वो आपको दिखाऊं। सर कई बार ना ऐसा होता है कि हम तीसरे इंसान की बात ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। एक मिनट मिस, तीसरे इंसान मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं खुद समझ सकता हूँ। सर आप बहुत समझदार है, लेकिन दूसरों के मामलों में पता नहीं अपनी बात होती है तो आपको क्या हो जाता है। सर हम अपनी खुशियों की तरफ देखना ही नहीं चाहते। सर मैं बस ये कह रही हूँ कि एक बार कोशिश तो करके देखिए इस बारे में सोचने की। क्यों करूँ मैं कुछ? सर क्योंकि क्योंकि अंबा मैम से आपकी शादी बिल्कुल सही है। सर स्टॉप इट विदी। ये सर यही होता है, आपको फिर से गुस्सा आ रहा है और आपके गुस्से को देखकर सामने वाला डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता। सामने वाला डर जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। पिछले 15 मिनट से पट 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 करी जा रही हूँ, बोल नहीं पाता। सर नहीं बोल पाता क्योंकि पहले तो ये समझ नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप क्या करेंगे। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप समझेंगे कि नहीं। मेरे साथ किसी को ऐसा होता नहीं। होता है सर, मेरे साथ हो ही रहा है ना। कितने दिनों से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके गुस्से के डर के बारे में बोल ही नहीं पा रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ।
मैं बस आपको समय बस आपको अम्मा मैम से शादी के लिए मनाना चाहती थी, पर वो गलती से मेरे दिल की बात बोल दी। सर मेरे मेरे मुंह से निकल गया वो। सर आप प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिएगा। वो मैं आपको समझाना चाहती थी और आप समझ नहीं रहे थे, और सर मुझे आपको सिर्फ सिर्फ बनाना था, और वो सर आपकी पूरी फैमिली बहुत खुश होती अगर आप मान जाते तो, और ये सब बहुत बहुत गलत हो गया सर। सर सर हमें लेट हो रहा ना, तो हमें जाना चाहिए मीटिंग। चलते सर। हेलो त्रिपाठी जी, वो मैं आज मीटिंग के लिए नहीं आ पाऊंगा, नहीं कुछ पर्सनल काम आ गया था, इसलिए मैं ऑफिस से कहता हूँ वहां से कोई आपको फोन करके मीटिंग रीशेड्यूल करवा लेगा। ओके थैंक्स। सर सर आपने मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी? आपके लिए तो ड्यूटी पहले होती है। मेरी वजह से आपका मूड। I'm sorry सर। हमें वापस चलना चाहिए, प्लीज आ जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे अंबा से शादी कर लेनी चाहिए? जी सर। सर आपके परिवार वाले सब बहुत खुश हो जाएंगे और अंबा मैम भी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है, तो वो आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी सर, बहुत बहुत अच्छी।